नमस्कार, स्वागत है भसीन साहब। बताए सर, पहले तो आउटलुक और अपडेट। सर तो देखिए, कल खड़े होके बैंक निफ्टी और निफ्टी दीपांशु को मैंने ही दिलाया था, और मैं उसका थोड़ा सा क्रेडिट लूंगा कि मैं कई बार गलत भी हुआ हूँ, बट यस्टरडे आई हैड द कन्विक्शन एंड आई टोल्ड यू ओवर सोल्ड मार्केट हैव टू बाउंस। टाइटन देखिए, हिंडाल्को देखिए, जीएमआर, आईएक्स, आज सुबह दीपांशु को टाटा केमिकल दिलाया 795 पे, देखिए 827 रुपए। अब आपके लिए दो नहीं तीन पिक्स अनिल जी, और तीनों पैसे कमाने की, और 16,500 से पहले नहीं रुकेगी ये मार्केट। क्या बात है, बताए सर तीनों पिक्स। अनिल जी, बजाज ऑटो में बायबैक आ गया 27 तारीख को, और 140 डिविडेंड है, और इतने साल बाद जो बायबैक आया है वो कोई छोटा बायबैक नहीं होएगा। मुझे लगता है 4500 का भाव मिनिमम होएगा, और बहुत रेशियो बहुत अच्छा होएगा। तो 4500 रुपए में बजाज ऑटो लीजिए, 3425 का स्टॉप लॉस, मैं 3750 से पहले नहीं बेचूंगा, 3750 मुझे टारगेट दिखता है बजाज ऑटो का। दूसरा पिक पीएफसी, पावर में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो गया, पावर फाइनेंसर इन द बेस्ट पॉसिबल प्लेस, और आप देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज रिकवरीज आर गुड, पीएफसी एज द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, 8% डिविडेंड यील्ड एट 101 में लीजिए, 9750 का स्टॉप लॉस, 107 का टारगेट। और तीसरा पिक जो मुझे लगता है अनबिलीवेबल प्राइस पे है, वो है टाटा मोटर्स। अब ये 3-4% भर चुका है, लेकिन 450 का भाव दिखता है मुझे, 396-397 में लीजिए, 385 का स्टॉप लॉस, 440 का टारगेट। तो तीन स्टॉक से जहां पर खरीदारी करने की राय, और ऑटो पर ज्यादा बुलिश है, बजाज ऑटो टाटा मोटर्स दो स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय। बजाज ऑटो खरीदे 3510 के आसपास, 3425 का स्टॉप लॉस, 3750 का टारगेट, और पीएफसी खरीदे 101 के आसपास, 9750 का स्टॉप लॉस, 107 का टारगेट, शायद कैश में नीचे हो सकते हैं भाव, देख लीजिएगा आप। और टाटा मोटर्स खरीदे 397 रुपए के आसपास, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चले, और 385 का स्टॉप लॉस, और 440 के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स में करनी है खरीदारी। शानदार तीन पिक्स और भसीन साहब की तरफ से, धन्यवाद सर।